Everyone, I'm Akhilesh Kumar Srivastava, and in today's lecture, we will discuss about the chaining method in the hashing. So in the process, we will first understand what the chaining method is, और उसके बाद हम लोग इसको कोड करके भी देखेंगे कोड ब्लॉक्स पे. सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चेनिंग मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है. जब हम लोगों ने ओपन एड्रेसिंग मेथड्स देखे थे कोलिजन रेजोल्यूशन के लिए, तो अगर मान लीजिए हमने लीनियर प्रोबिंग की है, तो अगर एच लोकेशन हमारी बिजी होती थी, सो हम सर्च करते थे एच प्लस वन लोकेशन. अगर एच प्लस वन लोकेशन भी बिजी है, तो हम एच प्लस टू लोकेशन देखते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. हम लोकेशन सर्च करते थे, और अगर वहाँ पे फ्री स्पेस है तो अपने डेटा को वहाँ स्टोर करा देते थे. तो ये जो ओपन एड्रेसिंग मेथड है, उसमें ये लीनियर प्रोबिंग मेथड था. सिमिलरली जब हमारा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग था, तो अगर एच लोकेशन बिजी था, तो हम यूजुअली एच प्लस वन स्क्वायर लोकेशन देखते थे. देन उसके बाद अगर एच प्लस वन स्क्वायर लोकेशन बिजी है, तो हम एच प्लस टू स्क्वायर लोकेशन देखते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर एच प्लस टू स्क्वायर लोकेशन भी बिजी है, तो हम नेक्स्ट लोकेशन देख लेते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. हम अपनी टेबल को ऐसे सर्च करते थे. और अगर मान लीजिए कि हम डबल हैशिंग यूज़ कर रहे हैं, और एच एक हैश फंक्शन है, और एच लोकेशन अगर बिजी है, तो हम एक एच डैश कैलकुलेट कर लेते हैं. वो किसी और मेथड से हमने हैश एड्रेस फाइंड किया, और एच प्लस एच डैश लोकेशन हम देखते थे. अगर ये लोकेशन फ्री है, तो हम यहाँ स्टोर करा देते थे. अगर ये भी लोकेशन फ्री नहीं है, तो हम एच प्लस टू एच डैश लोकेशन देखते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. हम फाइंड करते थे फ्री स्पेस. जब तक फ्री स्पेस नहीं मिल जाता, तब तक हम ये सर्च ऑपरेशंस कंटिन्यू करते थे. नाउ अगर हम लीनियर प्रोबिंग यूज करें, या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज करें, या डबल हैशिंग यूज करें, तीनों मेथड किसी और एलिमेंट के लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लेता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा कि ये मेरी हैश टेबल है, और इस हैश टेबल में मेरे पास जीरो लोकेशन पे ए डेटा स्टोर है, वन लोकेशन पे बी डेटा स्टोर है, टू लोकेशन फ्री है, थ्री लोकेशन भी फ्री है, फोर लोकेशन पे सम सी एलिमेंट स्टोर है, और फाइव लोकेशन भी फ्री है. अगर आपको किसी एक्स डेटा आइटम को स्टोर कराना है जिसका इंडेक्स जीरो है, या उसका हैश एड्रेस जीरो है, तो आप क्या करोगे कि पहले हैश एड्रेस जीरो पे देखेंगे कि क्या इसको स्टोर हम करा सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम इस लोकेशन में नहीं स्टोर करा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट है. तो हम एच प्लस वन लोकेशन देखते हैं लीनियर प्रोबिंग से. ये भी बिजी है, तो हम एच प्लस टू लोकेशन देखते हैं. ये लोकेशन फ्री, और हम एक्स डेटा को यहाँ ला के स्टोर कर सकते हैं. लेकिन एक्स की जो ओरिजिनल लोकेशन थी, वो जीरो इंडेक्स था. एक्स ने ऑक्यूपाई जो किया, वो टू इंडेक्स किया. इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई और एलिमेंट होगा जिसका हैश एड्रेस टू आएगा, तो उसको भी उसको यहाँ पे कोलिजन मिलेगा. हालांकि अगर हम एक्स को यहाँ पे स्टोर ना करते, तो वो आइटम जिसका हैश एड्रेस एक्चुअल में टू है, उसको कोलिजन नहीं मिलता. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है ओपन एड्रेसिंग मेथड का, कि वो सेम टेबल में उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो किसी और एलिमेंट के लिए हैश एड्रेस हो सकता था. तो ये एक ऐसा मेथड है जिसका ये जिसमें सेम टेबल में किसी ऐसे लोकेशन को हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जहां पे ओरिजिनली अगर कोई एलिमेंट आएगा जिसका वो लोकेशन हो सकता था, तो उस केस में कोलिजन हो जाएगी. तो हम इस मेथड को ऐसा मानेंगे कि थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, और इसीलिए हम चेनिंग मेथड की तरफ जाएंगे फाइनली, जिससे कि हम इस डिसएडवांटेज को रिमूव कर सकें. तो चेनिंग मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक हैश टेबल है, और इस हैश टेबल को हमने एक चेन की तरह से माना है. आप इसको एरे ऑफ वेक्टर्स मान सकते हैं, या एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट मान सकते हैं. मैं अपने कॉन्सेप्ट में मान लेता हूं कि ये एक एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट है. ये जीरो नंबर लिंक्ड लिस्ट है, ये वन नंबर लिंक्ड लिस्ट है, ये टू नंबर लिंक्ड लिस्ट है, ये थ्री नंबर, ये फोर नंबर, ये फाइव नंबर, और ये सिक्स नंबर लिंक्ड लिस्ट. इन सभी लिंक्ड लिस्ट में इनिशियली कोई भी डेटा एलिमेंट स्टोर नहीं है, तो हमने इसको नल मान लिया, और हमने माना कि इसका नाम है चेन. सो चेन जीरो इज इक्वल टू नल, चेन वन इज इक्वल टू नल, चेन टू इज इक्वल टू नल, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जितने भी चेन्स हैं, उनमें नल एड्रेसेस हैं. जैसे कोई डेटा एलिमेंट हमारे पास आता है, लेट से हमारे पास एक ए एलिमेंट आता है जिसका हैश एड्रेस लेट से टू है, तो हम टू नंबर वाली लिंक्ड लिस्ट में इसको इंसर्ट करा देंगे. मतलब कि ए डेटा आइटम को हम टू नंबर की लिंक्ड लिस्ट में इंसर्ट करा देंगे. मान लीजिए कि नेक्स्ट डेटा आइटम बी है, जिसका इंडेक्स फोर आता है, हैश एड्रेस फोर आता है, तो इसको हम फोर नंबर वाली लिंक्ड लिस्ट में इंसर्ट करा देंगे. एक सी डेटा आइटम है जिसका इंडेक्स आता है लेट से जीरो, तो हम क्या करेंगे, जीरो वाली लिंक्ड लिस्ट में इस सी वाले डेटा आइटम को हम स्टोर करा देंगे. मान लीजिए कि हमारे पास अब एक और डेटा आइटम आता है डी, जिसका इंडेक्स आता है टू,
तो अभी टू इंडेक्स पे ए है और टू इंडेक्स पे हम सेम चेन में डी एलिमेंट को भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दो ऑप्शन है हमारे पास डी एलिमेंट को डालने का, या तो हम ए के बाद डी एलिमेंट को डाल दें या ए के पहले डालें। मान लीजिए कि हमारे चेन में फोर एलिमेंट्स पहले से हैं, अगर आप एंड की तरफ डालेंगे तो चार एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके आपको आगे जाना पड़ेगा एंड देन तभी आप डी को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में इंसर्ट कराएंगे तो आप कॉन्स्टेंट टाइम में इस काम को कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि बिगिनिंग में ही इंसर्ट करा लेते हैं। तो सबसे पहले डी को स्टोर करा लेते हैं जो भी करंट आइटम आया है, और डी के बाद ए हो जाएगा। तो इस लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ही हमने डी आइटम को स्टोर कर दिया। सिमिलरली लेट्स से हमारे पास एक ई डेटा आइटम आता है जिसका हैश लोकेशन 4 होता है, तो हम इसको 4 लोकेशन पर स्टोर करेंगे 4 वाली चेन में, लेकिन बिगिनिंग में इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ई को स्टोर कर देंगे और उसके बाद फिर डी हमारा ऑलरेडी है। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि इंसर्ट बिगिनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं किसी भी डेटा एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। उसी चेन में अब डाटा एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं जो कि हैश एड्रेस है। ए को हम 2 नंबर चेन में डालेंगे, बी को 4 नंबर चेन में डालेंगे, सी को 0 नंबर चेन में, डी को 2 नंबर चेन में और ई को 4 नंबर चेन में हम डालेंगे। तो इस तरह से हम गिवन चेन में अपने डेटा एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। अब आइए इसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट है और मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल एन लिंक्ड लिस्ट है। तो एन साइज का हमने एक चेन बना लिया, ये एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट है और इसमें सभी चेन्स में नल एड्रेस इनिशियलाइज कर लिया। इस डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम एन साइज की चेन का एरे बना रहे हैं और इसमें एक एलिमेंट हमने नल इनिशियलाइज किया तो बाकी भी नल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमें कुछ डेटा एलिमेंट्स गिवन है, तो लेट्स से जो डेटा एलिमेंट्स है वो हमें एक एरे में गिवन है। लेट्स से वो एलिमेंट्स हैं ए, एम एलिमेंट्स हैं इसमें, और इनके जो हैश एड्रेसेस हैं वो दूसरे एरे में गिवन है, लेट्स से वो एच एम एड्रेस है। तो ए आई एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो एच आई होगा। तो हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं और लूप चलाने के बाद ये कहते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस, जो भी एलिमेंट हमारा है ए आई एलिमेंट उसको हम चेन में स्टोर करेंगे, और किस चेन में स्टोर करेंगे, चेन नंबर एच आई में स्टोर करेंगे। तो हम चेन नंबर एच आई में इंसर्ट बिगिनिंग ऑपरेशन करेंगे, तो वी हैव टू गो टू चेन नंबर एच आई और उसमें जाके हमें डेटा ए आई को स्टोर करा देना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। हमने एरे ए से डेटा एलिमेंट पिक किया, तो एथ एलिमेंट से आई इंडेक्स का जो एरे एलिमेंट होगा वो हमारा डेटा एलिमेंट है। इसको हमें कहाँ स्टोर कराना है, एच आई वाली चेन में। तो एच आई वाली चेन का एड्रेस क्या होगा, ये एरे ऑफ लिंक लिस्ट है इसलिए चेन एरे में चले जाइए और एच आई इंडेक्स के डेटा वैल्यू को एक्सेस कर लीजिए। तो ये हमें एक एड्रेस मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि हर एक डेटा एलिमेंट को बिगिनिंग में इंसर्ट करा रहे हैं हर चेन के या डिजायर्ड चेन के, तो इसलिए हमने इंसर्ट बिगिनिंग यहाँ पे लिखा। फाइनली जब ये इंसर्शन प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो आप एक एक करके सभी लिंक लिस्ट को या सभी चेन को ट्रैवर्स करके देख लीजिए कि इंसर्शन कैसा हुआ है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिर से एक लूप लगाया, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स मान लीजिए हमारे पास फंक्शन पहले से डिजाइंड है और हमने क्या किया कि चेन आई को आप ट्रैवर्स करके देख लीजिए। तो ये हमारा चेनिंग मेथड इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि हमने चेन सही बनाए हैं कि नहीं। अल्टीमेटली एक्चुअली हमें क्या करना है कि हम एक बार जब स्टोर करा देंगे तो एलिमेंट को हमें सर्च करना होगा। तो किसी एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है तो कैसे सर्च किया जाएगा, हमें हैश एड्रेस पता होगा उस एलिमेंट का, हम उस चेन में चले जाएंगे और उस चेन में ट्रैवर्स कर लेंगे और ट्रैवर्स करके देख लेंगे कि क्या डिजायर्ड एलिमेंट इस चेन में प्रेजेंट है कि नहीं है। ये हमें रिटर्न कर देगा यस या नो में, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है। प्रैक्टिकल सिनेरियोस में हमें यस या नो में आंसर नहीं मिलेगा बल्कि हमें कुछ डिजायर्ड डेटा आइटम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने की से सर्च कर लिया लोकेशन किस चेन में हमारा डेटा एलिमेंट पड़ा हुआ है और उस की से रिलेटेड रिकॉर्ड को हम रीड करके रिटर्न कर देंगे और वो रिकॉर्ड में डिजायर्ड आइटम्स प्रेजेंट होंगे
और उसको हम एक्सेस करेंगे। तो आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये मेरा छोटा सा कोड पहले से डिजाइंड है, आई होप कि आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है और नोड में इंफॉर्मेशन होगा जो इंटीजर टाइप का है, और नोड में एक नेक्स्ट फील्ड है जो कि आगे वाले नोड का एड्रेस रखेगा। इसके बाद ये मेरा गेट नोड फंक्शन है। गेट नोड फंक्शन में हम एक मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं एक नोड के लिए। सो पी इज इक्वल्स टू मेलॉक साइज ऑफ ए स्ट्रक्ट नोड। तो जितना साइज है नोड का उतना ही मेमोरी हम क्रिएट कर लेते हैं, और जो भी एलोकेटेड मेमोरी है उसकी हम टाइप कास्टिंग कर देते हैं कि इसमें केवल नोड टाइप का पॉइंटर ही इसका एड्रेस ले सकता है। तो ये हमने टाइप कास्टिंग कर दी। पी में स्टोर करा लिया है इस एड्रेस को। एक अच्छी प्रैक्टिस हम अडॉप्ट कर लेते हैं अभी से कि जब भी हम लिंक्ड लिस्ट का कोई नोड बनाएंगे तो उसके नेक्स्ट फील्ड को नल सेट कर देंगे। हालांकि इस केस में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको अडॉप्ट करें। इंसर्ट बिगनिंग फंक्शन है, इसमें हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस गिवन है। तो फर्स्ट नोड का अगर मुझे एड्रेस गिवन है तो अगर मुझे एक नोड इंसर्ट करना हो तो जैसे ऐसे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक लिंक्ड लिस्ट है, इसके फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर लीजिए। सो पी इज इक्वल्स टू गेट नोड फंक्शन से आप मेमोरी एलोकेट कर लीजिए। फिर इसके इन्फॉर्मेशन फील्ड में एक्स डाल दीजिए। इसके बाद फिर पी और स्टार्ट के लिंकिंग कर दीजिए, तो पी के नेक्स्ट फील्ड में स्टार्ट का एड्रेस होगा। सो पी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। चूंकि हमारी लिंक लिस्ट चेंज हो गई और नया पहला नोड पी वाला नोड है, इसलिए स्टार्ट पी पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टार्ट अब पी वाले नोड का एड्रेस लेगा। तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू पी। क्योंकि हमने डबल पॉइंटर का यूज किया इसीलिए जहां जहां स्टार्ट है हमने स्टार स्टार्ट लिखा है। ये ऑब्वियस है, ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि क्यों हमने डबल स्टार्स का यूज किया। ये मेरा इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन हो गया। इसके बाद मेरा ट्रैवर्स फंक्शन है। ट्रैवर्स फंक्शन में मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस गिवन है और एक टेम्पररी पॉइंटर पी के सहारे हम ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो जब तक मेरा पी नल नहीं हो जाता तब तक नोड की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। ये मेरा मेन फंक्शन है जिसमें हमने हैशिंग को कॉल किया है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक चेन बना लिया है, 10 साइज का चेन बनाया है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 0 से लेकर 9 तक चेन्स होंगे। सभी चेन के एड्रेसेस को नल से इनिशियलाइज कर लिया मैंने, 0 वाले को नल, 1 वाले को नल, 2 वाले को नल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 9 वाले को भी मैंने नल इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने ये माना है कि मेरा जो हैश फंक्शन है वो है आई मॉडुलो 10। तो अगर कोई नंबर है या फिर कोई की वैल्यू में गिवन है तो उसका मॉडुलो 10 ले लेंगे, यही मेरा हैश का लोकेशन होगा। तो रैंडमली मैंने मान लिया कि 1 से लेकर 100 तक सभी एलिमेंट्स को मैं इस चेन में स्टोर कराऊंगा। तो k इज इक्वल्स टू आई मॉडुलो 10 से मैंने हैश एड्रेस फाइंड किया। मैं kth चेन में चला गया और उसमें आई डेटा आइटम को इंसर्ट करा दिया। तो इंसर्शन हम कैसे कराएंगे, इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन से। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने एक्सप्लेनेशन में। फाइनली जब मेरे पास सारे डेटा आइटम स्टोर हो जाएंगे तो मैं ट्रैवर्स करके देख लूंगा कि मेरा डेटा आइटम सही है या नहीं है, हर चेन में डिजायर्ड आइटम्स हैं कि नहीं है। तो टोटल 10 चेन्स हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास चेन्स हैं। तो हम सबसे पहले चेन में जाते हैं, चेन नंबर आई में हम जा रहे हैं और ट्रैवर्स कर दे रहे हैं उस चेन नंबर आई को। तो इसको हम रन करके देखते हैं। यू कैन सी ये हमारी चेन्स बनी है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जो चेन नंबर 0 है उसमें आइटम्स हैं 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। तो ये ऑब्वियस है कि जो आइटम्स हैं वो इंसर्ट बिगिनिंग से स्टोर हुए हैं। चूंकि आप जब भी मॉडुलस में 10 लेंगे जिनके एंड में 0 है वो 0 नंबर चेन में जाएंगे। तो पहले 10 आया होगा, उसके पहले 20 आ गया, उसके पहले 30, उसके पहले 40, एंड सो ऑन सो फोर्थ, लास्ट में 100 आया होगा। इसी तरह से जो 7 नंबर चेन है उसमें पहले 7 आया होगा, देन 17, देन 27, देन 37, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो लास्ट आइटम आया होगा इसमें वो 97 आया होगा। तो आपने इसमें वेरीफाई कर लिया कि जो चेन हमारी बन रही है वो सही बन रही है। हैश फंक्शन हम चेंज करके भी ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंडमली हमने हैश फंक्शन को चेंज किया, लेट से हैश फंक्शन मेरा हो गया 2y प्लस 3 मल्टीप्लाइड मॉडुलस 10। ये मेरा हैश फंक्शन हो गया। तो अब देखते हैं कि हमारी चेन कैसी बनती है। सो आप देख सकते हैं कि जो चेन हमारी बन रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट बन रही है जो हमने पहले चेन लिया था।
जीरो नंबर चेन में कोई डेटा आइटम नहीं है, टू में कोई डेटा आइटम नहीं है, फोर में कोई नहीं है, सिक्स में नहीं है, एट में नहीं है, बाकी में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फाइन, तो आपको इस तरह से वेरीफाई आपने कर लिया कि हमारा जो चेनिंग मेथड है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम इस चेनिंग मेथड को बड़ी ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी लोग हैशिंग के सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके अपने सिस्टम्स पे जरूर देखेंगे।